नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नारियल के लड्डू बनाऊंगी। नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। मैंने 200 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है। आपको ये नारियल का बुरादा किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मिल्क पाउडर लिया है। एक कटोरी मैंने चीनी ली है, जो 100 ग्राम चीनी है। एक कटोरी मैंने दूध लिया है और 2-3 चम्मच हमें घी की चाहिएगी, जो मैंने देसी घी लिया है। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है, गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें 2-3 चम्मच घी के डालेंगे। घी डालने के बाद इसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए ही ड्राई रोस्ट करना है। ज़्यादा हमें लगातार चलाते रहना है। आप बगैर घी के भी भून सकते हैं। घी डालकर भूनने से टेस्ट अच्छा आएगा। गैस को हम लो ही रखेंगे। हमने लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए इसे भून लिया है। अब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे। हमने इसे 1-2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे। और हमें लगातार चलाते हुए मिलाना है। हम इसे 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ध्यान रहे, गैस हमें लो ही रखनी है और हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से पकाना है। हमें 2-3 मिनट हो गई हैं लगातार चलाते हुए। देखो, हमारा मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो गया है। और अब कढ़ाई छोड़ने लगा है। हम गैस बंद कर देंगे और अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसके लड्डू बनाएंगे। मिश्रण ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमें मिश्रण को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा ही ठंडा करना है। उसके बाद हम नारियल के लड्डू बनाएंगे। और हम इसे कोट करने के लिए थोड़ा बुरादा लिया है, इसके ऊपर इसे कोट करेंगे। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे बड़े जैसे चाहें वैसे लड्डू बना सकते हैं। देखो कितने सुंदर लड्डू लग रहे हैं।
आप इसी तरह से सभी लड्डुओं को तैयार कर लें। देखो मैंने सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इन लड्डुओं को 10-15 दिन तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। आप इन लड्डुओं को एक बार ट्राई ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे शेयर करना नहीं भूलें।